देखो अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी वो क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। क्या गलती कर सकते हो वो गलती भी मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर वो गलती नहीं करनी वो तरीका भी बताऊंगा। देखो सुनो, इलेक्ट्रिक प्रेशर, मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या अपने पास कंडक्टर है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बुक्स में नहीं मिलेगी, ध्यान से देख लो समझ लो इसको। इलेक्ट्रिक कंडक्टर प्रेशर, ये अपने पास मान लो कंडक्टर है, ठीक है। क्या है ये? कंडक्टर है। इस पे चार्ज हमने दे रखा है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। पक्की बात है। मान लो यहां पर एक, ध्यान से सुनना अच्छे से, कॉपी को पेन में डाल के रख दो, पेन को कॉपी में डाल के रख दो। मान लो यहां पर हमने एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया? स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया हमने क्या माना? डी ए। क्या माना? डी ए। क्लियर है? अच्छा, स्मॉल एरिया अगर हमने डी ए माना तो इस स्मॉल एरिया पर जो स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू, वो क्या होगा? सिग्मा डॉट डी ए। इस स्मॉल एरिया पर जो स्मॉल चार्ज डी क्यू होगा वो क्या होगा? सिग्मा डॉट डी ए। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन दिस एरिया, ऑन डी ए एरिया। अपने को इलेक्ट्रिक प्रेशर कैलकुलेट करना है किस एरिया पर? डी ए एरिया पर, ठीक है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देखो सुनो, प्रेशर अपने पास क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है? फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कितना चार्ज है इस एरिया पे? डी क्यू चार्ज। अगर कोई चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा? ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलोन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलोन नॉट। ये सिग्मा बाई जो एप्सिलोन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सभी चार्जेस के कारण है, जिसमें डी क्यू चार्ज भी आ गया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे फोर्स को? क्या लिखेंगे? डी क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स आ जाएगी, क्यू ई होती है ना, तो डी क्यू इंटू ई अपोन एरिया। एरिया कितना है? ये डी ए है। क्लियर है? तो इक्वल टू प्रेशर क्या आ जाएगा? डी क्यू इंटू ई। ई क्या है? डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा डी ए। तो सिग्मा डी ए, ई क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलोन नोट, और नीचे क्या है? डी ए। तो डी ए से डी ए कैंसिल, तो प्रेशर क्या आ गया? सिग्मा स्क्वेयर बाई एप्सिलोन नोट। क्या आ गया इस पॉइंट पर? प्रेशर सिग्मा स्क्वेयर बाई एप्सिलोन नोट। अब सुनो ध्यान से, ये जो है ना ये गलत है, ये क्या है? रोंग है। अगर ऐसा ही तुम सोच रहे हो तो ऐसा तुम गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं सोचना। ये क्या है? गलत है। मैंने आपको बता दिया क्या गलत कर सकते हो, तो इसको रिपीट मत करना। अगर ये गलत है सर तो सही क्या है? तो सही भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो सुनो अब ध्यान से, क्या सही है वो अब हम पढ़ते हैं, अच्छे से सुनना। सुनोगे तभी उसकी फील आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सुनो अब ध्यान से, मान लो ये एक चार्ज है क्यू वन, जनरल बात कर रहे हैं, ये एक चार्ज है क्यू वन, ये एक चार्ज है क्यू टू, ये एक चार्ज है क्यू थ्री। तीन चार्ज रखे हुए। अपने को कह दिया कि कैलकुलेट फोर्स ऑन क्यू थ्री, कैलकुलेट फोर्स ऑन क्यू थ्री। तो तुम क्या कहोगे कि सर फोर्स क्यू थ्री पे जो एफ थ्री होगी वो क्या होगी? वो होगी फोर्स किसी चार्ज पर क्या होती है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज क्या है? क्यू थ्री पर निकालनी है, तो चार्ज क्यू थ्री इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है? Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या लिखोगे? Q3 into E1 plus E2। ये कह दोगे कि इसको सोल्व कर लो सर, और क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी किस पर? इस चार्ज पर। पक्की बात है, सही है, ठीक है। क्या यहां पर E3 भी लिखा है आपने? नहीं लिखा ना। अगर जिस चार्ज पर फोर्स निकालनी है क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है? नहीं रखना। हम यहां पर यही गलती कर रहे थे। सोचो DQ चार्ज पर हमें फोर्स निकालनी थी, लेकिन ये जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो सभी चार्ज का है ना। उस सभी चार्ज में कौन सा चार्ज? DQ चार्ज भी तो आ गया है ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जिस चार्ज पर फोर्स निकालनी थी क्या उस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है? E3 नहीं रखा। तो यहां पर अगर आप क्या निकालोगे? फोर्स निकालोगे डी क्यू चार्ज पर, तो भाई डी क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना लेना है। और आपने यहां पर तो ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सारे के सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें डी क्यू भी आ गया है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है वो सर इसको छोड़ के, डी क्यू को छोड़ के बाकी सभी का लेना है, अदर सभी का लेना है, ठीक है। तो सुनो अब कैसे करेंगे, यहां तक नोट कर लेना। अब देखो सुनो, ठीक है, यह एग्जाम्पल है,
इसको नोट कर लो, क्लियर है। अब मैं इसको मिटाता हूं और सही तरीका बताता हूं, देखो की बात सुनो। प्रेशर जो आएगा वो क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को क्या लिखेंगे, डी क्यू इंटू ई बाई डी ए, डी क्यू इंटू ई बाई डी ए। और ये ई किसका होगा, ये ई किसका होगा, ये तो ई सभी का था। अब जो ये ई आएगा, ये इस ई इस डी क्यू को छोड़ के बाकी अदर चार्जेस सभी का आएगा। ई किसका आएगा, अदर, ई अदर लिख देता हूं मैं, इस डी क्यू को छोड़ के बाकी सभी का। तो डी क्यू को तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डॉट डी ए। तो सिग्मा डॉट डी ए अपॉन डी ए इंटू क्या है, ई अदर। बोलो क्लियर है, प्रेशर क्या आ गया, यहां पर लिख देता हूं सिग्मा डी ए बाई डी ए इंटू ई अदर, ई अदर। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब टास्क बस एक है, वो क्या है, ई अदर कैलकुलेट करना। ई अदर कैलकुलेट करो बच्चों और यहां पर क्या करो, पुट करो। तो स्क्रीन पॉज करके एक मिनट ट्राई करो सोल्व करने की, फिर यहां पर देखो। देखो ये ई जो है, ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ई टोटल, टोटल किस किस का, इस डी क्यू चार्ज का भी और बाकी अदर चार्जेस का भी। तो ई टोटल क्या है, ई इस डी क्यू के कारण भी प्लस ई अदर के कारण भी। हमें चाहिए क्या, सिर्फ ई अदर चाहिए। अच्छा ई टोटल किसके इक्वल है, सभी का, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इक्वल टू ई डी क्यू चार्ज के कारण, इस डी क्यू चार्ज के कारण, डी ए जिसका एरिया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट प्लस ई अदर, प्लस ई अदर। अब देखो ये कैसे आया, ई डी क्यू के कारण सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट कैसे आया, इसको ध्यान से सुनो। ये एरिया अपने पास डी ए है, ये अपने पास डी ए एरिया है, क्लियर है। अगर इसके जस्ट, हम कहां पर बात कर रहे हैं, इसके जस्ट आउटसाइड ना, इसके जस्ट आउटसाइड बात करें यहां पर, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए ये जो सीट है ये कैसी एक्ट करेगी, इनफाइनाइट सीट एक्ट करेगी ना। ये कैसी सीट कहलाएगी इस पॉइंट के लिए, इनफाइनाइट सीट कहलाएगी ना। क्यों कहलाएगी, देखो इस एरिया के बिल्कुल जस्ट बाहर, बिल्कुल एरिया निकलते ही जस्ट बाहर, देखो सुनो कैसे। अगर एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन के बिल्कुल बाहर खड़े हो दरवाजे पर, एक आप ट्रेन को देख रहे हो मान लो 10 किलोमीटर की दूरी से, क्या ट्रेन आपको बड़ी दिखेगी, बहुत ज्यादा स्मॉल दिखेगी, छोटी सी है ना। लेकिन एक ट्रेन के दरवाजे पर बिल्कुल खड़े होकर देख रहे हो तो ट्रेन पीछे भी दिखेगी, आगे भी दिखेगी, दोनों साइड में बहुत बड़ी दिखेगी ना। तो ये जो पॉइंट पी है ये इस एरिया के जस्ट बाहर पॉइंट है, कहां पर है, जस्ट बाहर। तो इस पी पॉइंट के लिए ये जो सीट है ये किस तरह से एक्ट करेगी, एक्ट एज इनफाइनाइट सीट। कैसे एक्ट करेगी, एक्ट एज इनफाइनाइट सीट की तरह एक्ट करेगी। और इनफाइनाइट सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, जो अपने लास्ट लेक्चर में गोसलो वाले में हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है इनफाइनाइट सीट के कारण, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज क्या लिखा है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट। तो यहां से बच्चों जो ई अदर है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट, क्या बचेगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये पॉइंट लिखते टाइम पे इसको नोट करना और लिखना कि एक्ट एज एन इनफाइनाइट सीट फॉर वेरी क्लोज पॉइंट पी, ठीक है। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूं। अब सुनो, इसको पुट कर दो वन में, कहां पे पुट कर दो, वन में। तो पुट इन वन, तो वन में पुट करेंगे तो वी गेट अपने पास क्या आ जाएगा, प्रेशर इक्वल टू सिग्मा डी ए बाई डी ए ई अदर। ई अदर क्या आया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट, डीए से डीए कैंसिल, तो प्रेशर क्या आ गया, सिग्मा स्क्वेयर बाई टू एप्सिलॉन नोट। क्या आ गया, सिग्मा स्क्वेयर बाई टू एप्सिलॉन नोट, ये अपने पास प्रेशर आया, क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्रेशर क्या आया था, सिग्मा स्क्वेयर बाई एप्सिलॉन नोट, यहां से क्या है, सिग्मा स्क्वेयर बाई टू एप्सिलॉन नोट। तो ये रॉन्ग वे है और ये क्या है, राइट वे है, सही तरीका है, ठीक है। तो इसको स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो और ये याद भी होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नोट। तो आज हमने पूरे लेक्चर में कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है जो कैपेसिटर में बिल्कुल रिपीट नहीं होंगी और उनका पोटेंशियल में भी बहुत ज्यादा अथा उनका यूज है, ठीक है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से जानना, कंडक्टर के बारे में बहुत सारी चर्चा आज हमने बारीक बारीक, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, सारे पॉइंट सोल्व किए हैं।
तो आपके दिमाग में जो किताबों में पढ़ते होंगे वो बातें आज आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय।